Hello everyone. Hi everyone. Hi. Thank you for watching JK Arts videos. क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आप लोग को हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? हाय अनामिका. हाय जसविंदर. आप लोग को हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? गाइस, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए. हमें समझ में नहीं आ रहा आपको हमारी वॉइस आ रही है या नहीं. यस, थैंक यू. सो गाइस, आज का जो हमारा जो भी वीडियोस हैं वो क्राफ्ट से रिलेटेड है, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, जो आपको इजीली घर से मटेरियल मिल जाएगा. गाइस, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते हम अपने अपने घरों में बैठ के जो जो चीज़ें बना सकते हैं, हमने उन चीज़ों का जो है लाइव वो किया हुआ है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का. आप चेक कर सकते हैं और ये चीज़ें आपको इजीली अपने घर पे मिल जाएगी. गाइस, हम होप कर रहे हैं आप लोग सब लोग सेफ हैं और लॉकडाउन के जो रूल्स हैं और ये सब है वो फॉलो कर रहे हैं अच्छे से. हाय रुमान. हाय नास. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है हमारे लिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. ये वाला है माइक का? जी हाँ. थैंक यू संभावी. हाय अनामिका. हेलो सैयद. आप सब लोग कैसे हैं? राविता हाय. आज हमने कुछ वीडियोस बेस्ट ऑफ टॉप वेस्ट के चलाए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में हमने सीडी यूज किया हुआ है और उससे हम लोगों ने एक वॉल हैंगिंग बनाया हुआ है. एंड ये जो वॉल हैंगिंग हमने बनाया है वो आप हमने इसको मिरर से डेकोरेट किया है. पर अगर आपके पास कोई और मटेरियल है, मिरर अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ और यूज करके भी इसका वॉल हैंगिंग बना सकते हैं. ये बहुत ईजी है, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा. एंड गाइस, अभी जो हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ही है. और ये जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है वो हमने कंटेनर्स से बनाया है और जो क्लोथ होता है जो घर पे इजीली अवेलेबल होता है ये उससे बना हुआ है. कोई भी हमारे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हैं.
ये जो हमने यूज किया है वो जो होटल से कंटेनर्स आते हैं ये उससे बना हुआ है, और ये जो हमने पेपर यूज किया है वो वेलवेट पेपर है, ये भी आपके पास इजीली अवेलेबल मिल सकता है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इसके जगह पे कोई भी क्लॉथ यूज कर सकते हैं। हाय साहेब, आपने जो इमेजेस भेजी थी मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। गाइस ये जो DIY है ये आप किसी को भी गिफ्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रूजो पैकिंग के लिए ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जो आप घर बैठे बना सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट में। तो प्लीज 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 इसको जरूर ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर आपके पास ये कंटेनर्स नहीं है तो आप जो प्लास्टिक के बाउल्स होते हैं आप उससे भी ये चीज बना सकते हैं। हाय तानिया, हाय राधिका, हाय प्रिया, वी आर गुड, हाउ आर यू? हाय अनामिका, वी आर गुड, हाउ आर यू? गाइस हमने इस वीडियो में एक लेस यूज की है, अगर आपके पास ये वाली लेस अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी लेस यूज कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, या फिर आप कोई भी स्टोन्स यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। जो भी आपको डेकोरेटिव मटेरियल लगता है कि इस पे अच्छा जाएगा आप वो यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको ये वाली ही लेस यूज करनी है। एंड गाइस सेम गोज विद दीज फ्लावर्स, अगर आपके पास ये फ्लावर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फ्लावर्स भी बना सकते हैं। हमने बहुत सारे फ्लावर मेकिंग के वीडियोस भी डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप वो रेफर करके बहुत सारे अच्छे डेकोरेटिव फ्लावर्स बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। हाय आदित्य, नमस्ते साहेब। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग जेके आर्ट्स वीडियोस। गाइस लॉकडाउन के चलते हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज फॉर अवर गुड ओनली। सो गाइस हमको आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जैसे कि हम लोग को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सब लोग इजीली अवेलेबल मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, तो फॉर दैट हमने एक ऑनलाइन कोर्स का इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम आपको मिनिमम चीज़ों से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस ऑन हैवी डिमांड हमने कोर्स ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिससे आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं वो है वाइली पेंटिंग का कोर्स, पेपर क्राफ्ट का कोर्स, स्क्रैप बुक मेकिंग, डूडल्स, जेंटेंगल्स, बेसिक ड्राइंग कोर्सेस, कार्टून के कोर्सेस और भी बहुत सारे कोर्सेस लाइक कॉफ़ी पेंटिंग का कोर्स। ये सब कोर्स के बारे में हमने अपने कम्युनिटी टैब में लिखा हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी। अगर आपको कम्युनिटी टैब आपने अगर चेक किया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में, और एक गूगल का फॉर्म भी होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको फिल कर सकते हैं।
और गाइस ये कोर्सेज जो है वो स्पेशली लॉकडाउन के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जिससे सिर्फ आप पेपर पेन से ही आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर्स हैं तो उससे भी आपके एक दो कोर्सेज हैं जो आपके फुल के फुल कवर हो जाएंगे। जैसे स्क्रैप बुक मेकिंग का कोर्स, हमने एक बेसिक स्क्रैप बुक मेकिंग का कोर्स डिज़ाइन किया है जो आप सिर्फ क्राफ्ट पेपर्स के हेल्प से बना सकते हैं। या फिर जो दूसरा कोर्स है वो है हमारा पेपर क्राफ्ट का कोर्स। उस क्राफ्ट में हमने अलग अलग तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना सिखाया है, प्लस फ्लावर जो है पेपर फ्लावर्स वो बनाना सिखाया हुआ है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा हम लोग के जो न्यू कोर्सेस हैं। और ये जो कोर्स है वो असाइनमेंट बेस्ड कोर्स होगा। ये आपको रोज़ एक वीडियो, आपको रोज़ एक ट्यूटोरियल आपको सिखाया जाएगा, उसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा और वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके हमको भेजना है। एंड एट द एंड आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और गाइस अगर आपको जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, अगर उसके रिलेटेड भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके वो सारे डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। लाइक आप जैसे अभी देख सकते हैं ये जो हमने सीडी से बनाया है, ये आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है आपके घर पे तो आप नॉर्मल वाली ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे फेविक्रिल की ग्लू होती है या फैब्रिक ग्लू होती है, आप वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पर्ल वाली लेस है उसकी जगह पे आप सैटन रिबन यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी जाती है।
हाय नेहा, हाय अनामिका। अनामिका पूछ रही है, आई एम नॉट हैविंग स्टोन। अनामिका, अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप 3D लाइनर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी राइम स्टोन यूज़ कर सकते हैं, या इवन बटन्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आप एज अ डेकोरेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पिस्ता शेल्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप बाद में नेल पॉलिश से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप सैटिन रिबन के छोटे छोटे फ्लावर्स बना के उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हम उनको बता देते हैं कि ये जो हम लोग की प्लेलिस्ट चालू है वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की प्लेलिस्ट चालू है। ये आप वेस्ट मटेरियल से आप इसमें से बना सकते हैं। ये वो वाले वीडियोस हैं जो आपको घर पे इजीली सामान मिल जाएंगे, एंड आप उससे बहुत ब्यूटीफुल वाली चीज़ें बना सकते हैं। और प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए आप किस तरह के और वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उनके ट्यूटोरियल्स भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालें। प्लीज़ कमेंट में हमें बताते रहिए। और गाइस, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पक्का दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपके पास हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। वेलकम टू जेके आर्ट्स। आई एम जर्ना। आई एम खुशबू। मैं हूँ पूजा। जेके आर्ट्स में आपका स्वागत है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, डू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। गाइस, तो आप हमें अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप अपना जो लॉकडाउन है वो कैसे क्रिएटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बताइए आपने कौन से क्राफ्ट क्वारंटाइन में बनाई हुई है। गाइस, आप जैसे अभी का जो आप वीडियो देखेंगे वो जो वीडियो होगा वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का ही होगा। ये हमने बनाया है बॉटल से और सिर्फ फोम से बनाया है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। Thank you.
subscribe for latest updates. Thank you, Sayyar. Hi, Rakesh. Hi, Night Gaming. गाइस हमने ना अभी अभी कमेंट सेक्शन में यूट्यूब अपने फॉर्म की लिंक शेयर की है, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा उस फॉर्म की लिंक। उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कौन से कोर्सेज की स्टार्ट किए हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ फॉर्म फिल करके ये कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ये क्वारंटाइन के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, पेपर है, तो आप इजीली ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये लॉकडाउन स्पेशल कोर्स है, इसके लिए आपको कोई भी मटेरियल की नीड नहीं है, आपको जस्ट पेंसिल, पेन एंड पेपर की ही नीड है। आप अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो आप इजीली 3-4 कोर्सेज हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस बिजी पहले के टाइम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता था कि हम अपने हॉबीज पे ध्यान दे सकें, लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो why not to utilize it properly and creatively। गाइस अभी आप जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये हम बचपन में बनाया करते थे, और ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये बहुत बहुत अच्छा होता है। आप इसको पक्का ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ये वाला कैप नहीं है, लाइनर का कैप नहीं है, तो आप इसके जगह पे बॉटल कैप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं, मोती यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली चीज़ें अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं हो, नहीं तो आपका स्पिनर काम नहीं करेगा। हाय दिव्या, हाय राकेश, हाय विनोद। गाइस आप लोग ने हमें अभी तक नहीं बताया है कि आपने अपने क्वारंटाइन के लिए कौन सी क्राफ्ट की एक्टिविटीज की हैं। प्लीज हमें कमेंट में बताइए, हम लोग कमेंट्स देख रहे हैं।
हाय विनोद, हाय दिव्या, हाय कमल, हाय राकेश, हाय नामिका, अनामिका ने लिखा है आई हैव मेड फ्लावर बुके फॉर मदर्स डे। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आप हम आपको एक नंबर भेजते हैं, वो जेके आज का नंबर है। प्लीज़ हमारे साथ, आप लोग ने जो भी चीज़ें बनाई है प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको नंबर दिखाई दे रहा है कमेंट्स में। गाइज, वी वुड लव टू सी आपने क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें बनाई है इस क्वारंटाइन में। प्लीज़ अपनी जो क्रिएटिविटी है उनका फ़ोटो हमें इस व्हाट्सएप के नंबर पे ज़रूर भेजिएगा। एंड जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये भी चीज़ हमने बनाई है वो सीडी से बनाई है। ये वाला भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो आप नॉर्मल जो धागा होता है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिएगा। अभी लॉकडाउन के चलते हम सबके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेट्स यूज़ इट फॉर आवर हॉबीज़। हाय अक्षा, हाय करिश्मा, वी आर गुड, हाउ आर यू। आप लोग को नंबर दिखाई दे रहा है? गाइस, हमने यहाँ पे सीडीज यूज किए हैं, अगर आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अगर आपके पास सीडीज अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बदले कार्डबोर्ड की कटिंग यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर कोई भी यूटेंसिल रख के, सर्कल वाला यूटेंसिल रख के आप उसका सर्कल बना दीजिए, उसे कट कर दीजिए और उसके बाद आप ये सेम DIY बना सकते हैं उसके साथ, अगर आपके पास सीडीज अवेलेबल नहीं है तो। एंड ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये वर्ली का है और इसका इन डिटेल जो कोर्स है वो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जो हमने ऊपर फॉर्म दिया है उसको ज़रूर फिल कीजिए एंड ऑनलाइन कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने सिखाई हुई है एंड आपको उसके लिए कोई भी मटेरियल की नीड नहीं है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनसे ही ये कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। सैयद ने लिखा है आई मेड अ रोज़ बुके। प्लीज़ हमको अपना बुके जो है वो इस नंबर पे भेज दीजिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा आपका देखना। और पौशाली लिख रहे हैं आई मेड अ ड्राइंग फॉर माय मॉम ऑन मदर्स डे। पौशाली, आपने जो ड्राइंग बनाई है वो किस बेसिस पे है वो आप हमें ज़रूर बताइए इस कमेंट में, और हमें प्लीज इसका भी फोटो भेजिएगा। कमल लिख रहे हैं आई मेड पेंटिंग आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस। कमल, आप भी प्लीज़ भेज दीजिएगा हमको वीडियो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। आपका फ़ोटो भेज दीजिएगा इस नंबर पे, हमको देखना बहुत अच्छा लगेगा।
पोशाली जैन टेंपल जो है एक बेसिकली जैन जो है वो एक ओल्डन मेडिटेशन मेडिटेशन का वे है, और जैन टेंगल एक ऐसा आर्ट है जिससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। और भी जो भी इस को जैन टेंगल से रिलेटेड नॉलेज है ना, वो आपको हमने लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हाय करिश्मा, हाय पुर्शाली, अनामिका आपने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है प्लीज हमें उस लिंक पे शेयर कीजिएगा जो हमने आपको भेजी है, व्हाट्सएप की लिंक है वो हमारी, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा आपका वो कार्ड देखना। एंड गाइस जैसे कि आप अभी देख रहे हैं जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें भी आपको ज़्यादा मटेरियल नीड नहीं है, वो आप वेस्ट क्लोथ से बना सकते हैं। इसमें आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका सीमेंट नहीं है तो आप प्लास्टर ऑफ पैरिस यूज़ कर सकते हैं, जिप्सम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन सकता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड गाइस इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हम लोग बाउल दिखा रहे हैं तो आप बाउल ही यूज़ करें, अगर आपके पास ग्लास है या कोई प्रिंगल्स का खाली डब्बा है तो आप उसको भी ऐसे रेफरेंस करके ले सकते हैं, उससे आप जिस तरह का आप शेप लेंगे उस तरह की आपकी अलग अलग टाइप की ये बन जाएगी। अगर आप प्रिंगल का बॉक्स ले रहे हैं, प्रिंगल की बॉक्स ले रहे हैं तो उससे आपका वाज बन सकता है, अगर आप बाउल ले रहे हैं तो उसके लिए आपका ज्वेलरी होल्डर बन सकता है। एंड इससे रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाई है, उसको भी पक्का आप लोग चेक कीजिएगा, वो भी बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना था, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड ज़रूरी नहीं है हमने अगर थिक क्लोथ लिया तो आपको भी थिक क्लोथ ही लेना है, आप इसके लिए बहुत स्लिम क्लोथ या जो भी आपके पास वेस्ट क्लोथ है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेस्ट क्लोथ को। एंड जो ये अभी हमने कलर कर रहे हैं उसको हम लोग ड्राई इफेक्ट बोलते हैं, ये जो है वो आप हमने ड्राई इफेक्ट यूज़ किया है, इसमें एक बेस कलर लिया है उसके ऊपर दूसरे कलर का ड्राई इफेक्ट दिया है, आपको अगर चाहिए तो आप प्लेन यूज़ कर सकते हैं, इस पर अलग अलग टेक्सचर्स बना सकते हैं, अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
गाइस प्लीज हमको सजेस्ट कीजिए कि हम लोग दूसरे कौन से नेक्स्ट वीडियो बनाए जो आप लोग हम लोग से सीखना चाहते हैं, और आपके पास कौन सा मटेरियल है, हम उस रिलेटेड वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वाला। अनामिका अगर आपके कोई बात नहीं, आप पहले अपने मम्मी से पूछ लीजिए, उसके बाद हमें भेजिएगा, और अपने मम्मी को वो सारे फॉर्म्स भी दिखाइएगा जो कोर्सेस हमारे हैं, क्या पता उनको वो भी अच्छा लगे और वो भी आपके साथ ज्वाइन कर ले। गाइस हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी सीडी से रिलेटेड है, एंड सेम आप इसके जगह पे दूसरे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं सीडी को और टी लाइट को डेकोरेट करने के लिए। एंड गाइस वी होप आप लोग का लॉकडाउन जो है वो सेफ ही जा रहा है, आप लोग अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपने फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे हैं, एंड आई गेस ये हमारा नेक्स्ट जो है, ये जो वीडियो चालू है वो हमारा लास्ट वीडियो है। सो आप प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए हम लोग नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, हम वो वाला वीडियो डाल देंगे। एंड फॉर्म फिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो भी जो गूगल का फॉर्म है वो उसको पक्का फिल कर दीजिएगा। एंड हम लोग का जो हर वीडियो है वो ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को आता है, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल में जो भी आर्ट रिलेटेड है, स्क्रैप बुक से रिलेटेड है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है, हर तरह के वीडियोस आते हैं, क्राफ्ट मेकिंग के वीडियोस आते हैं, आपको जिस तरह की भी है हॉबीज वो सब टाइप के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब, एंड अगर हमने कोई कैटेगरी ऐड नहीं की है हमारे चैनल पे तो आप वो भी हमको बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ सीखनी है, हम उसके वीडियोस भी डाल देंगे। सो प्लीज़ डू चेक अवर चैनल, डू चेक अवर वीडियोस, एंड प्लीज़ जो भी आर्ट लवर्स हैं उनको प्लीज़ 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 हमारा चैनल सजेस्ट कीजिएगा, एंड उनको भी बोलिएगा फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, बाय बाय, स्टे सेफ, बाय।